महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा दुर्ग जिले के भिलाई में पहुंची, जहां उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र साहू के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील करी। इस दौरान अलका लांबा ने केंद्र सरकार और मोदी पर जमकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदाताओं को रिझाने उनके बीच जा रहे हैं। इसी कड़ी में भिलाई पहुंची कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने केंद्र की मोदी सरकार की तमाम योजनाओं को असफल बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई तरह के सपने दिखाए, लेकिन एक भी सपना पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में मुख्य मुद्दों को शामिल किया है, लेकिन प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं कि इन मुद्दों पर बात कर सके, इसीलिए झूठ से जनता को भ्रमित कर रहे हैं। संविधान बदलने की बात तो बिल्कुल 400 सीटें मांगी इसलिए रही है कि देश के संविधान को बदलना चाहती है। आरएसएस बीजेपी इसको बदलना चाहती है, उसके पीछे इनकी सोच ये वन नेशन वन इलेक्शन। ये 140 करोड़ में आप जैसे लोग भी सोचने में मजबूर हो गए कि 140 करोड़ का भारत जिसमें पंचायत नगर निगमों के लाखों सीटों पर चुनाव होता है, जहां पर नगर निगम का मेयर का चुनाव है, विधानसभाओं के चुनाव है, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे संभव है? तो इनका मतलब है वन नेशन नो इलेक्शन। आरएसएस बीजेपी सिर्फ संविधान बदलकर अपने एजेंडे को इस देश पर थोप। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।